गाइस, कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम तुम लोगों को भी जरूर फेस करना पड़ता होगा। मतलब क्या होता है, पीछे से भी जोन आ रहा होता है, जोन भी डैमेज देता तुम लोगों को, और आगे भी दो चार बंदे तुम्हारा स्वागत करने के लिए खड़ा होता है, और जैसे ही तुम लोग ग्लू वॉल से निकलते हो बस मर जाते हो, कुछ कर ही नहीं सकता ऐसी सिचुएशन में। बट अगर तुम लोगों को सही स्ट्रेटजी पता हो, सही टेक्निक पता हो ग्लू वॉल लगाने का और अपने आप को डिफेंस करने का, देन गाइस तुम लोग एक एक स्क्वाड को घुमाकर अपने आप को जोन में ले जा सकते हो, फिर तुम लोग स्क्वाड को मारने का ट्राई कर सकते हो। मतलब देखो, ग्लू वॉल का ये ट्रिक ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सारे कस्टम्स प्लेयर के लिए, क्योंकि जो कस्टम्स खेलता रहता है 1v4, 1v3 या फिर 4v4, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। और गाइस ये वीडियो अगर तुम लोग एंड तक देख लेते हो, देन बहुत अच्छे तरीके से सीख जाओगे तुम लोग बैंडर जैसा ग्लू वॉल लगाना और अपने आप को डिफेंस करते हुए जोन में ले जाना। तो गाइस ये तो हो गया पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन होता है जब तुमको कोई एनिमी डैमेज देता है, ठीक है। सो ऐसे सिचुएशन में बहुत सारे बंदे अच्छे से ग्लू वॉल नहीं लगा पाते हैं और फिर उसको मरना ही पड़ता है, कोई ऑप्शन ही नहीं होता। क्या आप घर बैठे हो रहे हो बोर, तो खेलो गेम और अर्न मोर। पूछोगे नहीं कैसे, मैं बताता हूँ कैसे। बस क्रोम पर टाइप करो www.skillclass.com। हाँ, स्किल क्लास, आपने इसके बारे में सुना तो होगा ही। जी हाँ, ये वही वेबसाइट है जिस पर आप गेम खेल के 300-400 रुपये रोज कमा सकते हो। सबसे यूनिक बात क्या है कि आपको कोई ऐप, कोई APK इंस्टॉल नहीं करना। यहाँ कैरम, क्वीज, क्रिकेट, पोल, ईस, कब्रन जैसे मजेदार गेम खेलो और पैसे जीतो। जीते हुए पैसे पेटीएम, UPI या अमेजोन पे में इंस्टेंटली निकालो। यार मैं भी इस प्लेटफॉर्म को पर्सनली अर्निंग के लिए यूज़ कर डायमंड खरीद लेता हूँ। अपने दोस्तों को रेफर करो, उनके अलग पैसे कमाओ, उनके बीच टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाओ, उनके अलग पैसे कमाओ। इस स्पेशल टूर्नामेंट में हेडफोन, मोबाइल, बाइक जैसे प्राइज जीतो। प्लेटफॉर्म बहुत जल्द बहुत पॉपुलर हो गया है। मतलब यार 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोग यहाँ गेम खेलते हैं। आप भी ट्राई करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। और हाँ भाई लोग, अगर आप लोग डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से जाते हैं तो आपको बोनस भी मिलेगा। सो जल्दी जाओ भाई लोग और गेम खेलो, पैसे अर्न करो। जस्ट एग्जांपल गाइस, ये देखो ये बंदा मुझे डैमेज देता है, अब मैं इससे पीछे भागता हूँ, कितना फास्ट देखो। ये बंदा चाहते हुए भी मुझे मार नहीं पा रहा है। इवन ये बंदा तो सिंपल भाग रहा है और मैं भाग रहा हूँ ग्लू वॉल लगाते हुए, फिर भी मैं इससे स्पीड भाग रहा हूँ कैसे। सो ये दोनों ट्रिक इस वीडियो में तुम लोगों को पता चलने वाला है। वीडियो एंड तक देखते रहना, बहुत ओपी वीडियो है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट गाइस, अगर कोई बंदा नया आ रहा है इस चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल पे ऐसे ही फ्री फायर रिलेटेड बहुत ही यूनिक एंड न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियोस आते रहते हैं। सो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। सो अभी चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस देखो, इस ट्रिक को यूज करने से पहले मैं कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट बता देना चाहता हूँ। लाइक जैसे कि तुम लोग का सेंसिटिविटी जो होता है वो पहले तुम लोग 100 कर लो, ठीक है, क्योंकि स्किन बहुत अच्छे तरीके से मूव करना चाहिए, इधर उधर घूमना चाहिए। सो पहले सेंसिटिविटी 100 कर लेना, फिर हम लोग आगे का प्रोसेस देखते हैं। सो गाइस देखो, इस ट्रिक को करने के लिए सबसे पहले तुम लोग को सबसे बड़ा जो चीज़ है 360 डिग्री ग्लू वॉल, यानी कि राउंड ग्लू वॉल, बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। मतलब समझ रहे हो ना, मतलब खुद को कितना जल्दी से तुम पैक कर पाते हो, क्योंकि जस्ट इमेजिन बहुत ज़्यादा बंदे होंगे, ऐसे कंडीशन में तुमको पैक भी बहुत फास्ट करना होता है। तो देखो, पैक करने का एक डिटेल्ड वीडियो मेरे चैनल पे है, उसको तुम लोग देख सकते हो अगर बहुत ज़्यादा डिटेल में जानना है तो। बट गाइस अभी मैं सिंपल सा बता देता हूँ पैक कैसे किया जाता है। देखो सबसे पहले ग्लू वॉल टैप करना होता है, उसके बाद सिटअप, ठीक है, सिटअप मतलब बैठ गए। अब जो ये जो जॉयस्टिक देख रहे हो उसको ग्लू वॉल लगाने के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना है। मतलब देखो गाइस, मैं इधर से अभी ग्लू वॉल लगाने वाला हूँ। ग्लू वॉल कैसे लगाऊंगा, ये जो फायर बटन है गाइस, इसको मैं ऐसे मूव करूंगा, ठीक है, मूव करता जाऊंगा। और ये जो जॉयस्टिक बटन है इसको मैं इस डायरेक्शन में मूव करूंगा, ठीक है। देखो बहुत सिंपल होता है, इसको मैं जैसे ही करता हूँ देखो कितने इजीली मेरे राउंड ग्लू वॉल लग रहे हैं। सो गाइस ये हो गया फर्स्ट स्टेप, मतलब हम लोग अपने आप को पैक तो कर लिए, अब यहाँ से निकलना है। अब देखो गाइस, ज़्यादातर बंदे निकलने के लिए सिंपल सा एक ग्लू वॉल लगाता है इधर बैठ के, सो पीछे वाला खुल जाता है। सो गाइस ये हो गया ओल्ड प्रोसेस, जो पहले के बंदे यूज करते थे, अभी न्यू प्रोसेस हो गया है। अभी जो न्यू ट्रिक, बैंडर ट्रिक जिसको हम लोग कह सकते हैं, वो है जंप करके ग्लू वॉल को खोलना। जस्ट एग्जांपल गाइस, इधर एनिमी है और इधर जोन है, अब मुझे एक सेफ डायरेक्शन देख के ग्लू वॉल को खोलना है। सो सिंपल सा, मुझे अगर लगता है कि मैं पीछे साइड भाग सकता हूँ तो सिंपल सा क्या करना है, तुम लोगों को ग्लू वॉल बटन पर टैप करना है, फिर रन बटन को। अब रन करते हुए तुम लोगों को जिस डायरेक्शन से निकलना है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक या दो ग्लू वॉल लगा देना है, और वो भी लगाना है जंप करते हुए। इधर जैसे मैं देखो जंप करके लगा रहा हूँ, ऐसे ही लगाना है। और जैसे ही जंप करते हुए ग्लू वॉल लगाओगे, पीछे वाले ग्लू वॉल ऑटोमेटिकली हट जाएंगे, फिर तुम लोग निकल के आगे भी ग्लू वॉल लगा सकते हो, और ऐसे करके तुम लोग इजीली जोन में जा सकते हो। सो गाइस ये तो हैंड कम, जिसको देखकर तुम लोगों को एक बेहतर आइडिया लग जाएगा कि मैं कैसे कर रहा हूँ, ठीक है। सो बस सिंपल होता है, बहुत सिंपल। अब गाइस अगर हम लोग बात करें कि मैं इतना जल्दी कैसे पीछे भाग रहा था एनिमी के, ठीक है, तो वो भी बहुत ज्यादा सिंपल होता है। सिंपल सा देखो, मुझे इधर एनिमी डैमेज देता है, ठीक है, अब मुझे भागना है। तो सिंपल सा हम लोग कैसे भाग सकते हैं, इधर रन करेंगे, ठीक है। अब जैसे ही मुझे एनिमी मारेगा या फिर दोबारा मार सकता है, उससे पहले हम लोग को ग्लू वॉल बटन पर टैप करना है, फिर जंप बटन को टैप करते हुए स्क्रीन को पूरा घुमाना है, ठीक है, एनिमी की ओर, और फिर लेफ्ट फायर बटन यूज करके, मतलब ये वाला बटन यूज करके ऐसे टैप 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 3-4 बार टैप कर देना है। फिर देखना कितने इजिली तुम लोग कवर में आ जाओगे। फिर थोड़ा आगे जाएंगे, अब अगर लगता है एनिमी फिर से मार सकता है, फिर गाइस हम लोग ग्लू वॉल लेके जंप करेंगे, फिर कैमरा को घुमाएंगे एनिमी की ओर, और घुमाते हुए टैप 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 करेंगे लेफ्ट फायर बटन से, ठीक है,
जिससे कि हम लोग पूरे कवर में आ जाएंगे। और यही प्रोसेस चलता जाएगा, एक टाइम में आकर हम लोग पैक करके मैडी भी मार सकते हैं। तो देखा कितना इजी होता है, तो तुम लोग भी यूज़ कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा सिंपल ट्रिक होता है। अब गाइस जैसे पीछे भागने का ना 3-4 टाइप होते हैं, मतलब ऐसे 3-4 टाइप से हम लोग पीछे भाग सकते हैं। तुम लोग पीसी प्लेयर को देखना कितने ओपी तरीके से भागता है पीछे, और ऐसा गाइस मोबाइल में भी पॉसिबल है। तो हम लोग उसका भी वीडियो जरूर लाएंगे अगर तुम लोग का डिमांड होता है, तुम लोग अगर पार्ट 2 बोलते हो कमेंट बॉक्स में तो जरूर उसका भी वीडियो आ जाएगा। तो या गाइस अगर तुम लोगों को लगता है कि इसका पार्ट 2 बनाना चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में बता देना मुझे कि इसका पार्ट 2 लाओ करके। ठीक, बताया था ना स्किल क्लास के बारे में, अभी अपने फ्रेंड के साथ गेम खेला और उसको हरा दिया और ये देखो उसके पैसे भी आ गए फटाफट UPI से। और हाँ भाई लोग, स्किल क्लास पर अभी जाओ, गेम खेलो और पैसे कमाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। तो अभी चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आई होप तुम लोगों को वीडियो पसंद आया है। और गाइस जो जो बंदा हमारे चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियोज आते रहते हैं। सो चलो गाइस अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, राधे राधे।